हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम 31 मार्च के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। मार्च का आखिरी दिन है और आज के लिए आपका अभ्यास प्रश्न है, देश का पहला कोविड-19 अस्पताल कहाँ खोला गया है। आपके ऑप्शंस हैं उड़ीसा, मुंबई, दिल्ली या फिर अहमदाबाद। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आज के प्रश्नों को देखते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस से निधन हो गया है। मारिया टेरेसा, आप यहाँ इन्हें देख सकते हैं, और शाही परिवार से ये पहली ऐसी महिला हैं जिनका निधन हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। और ये कौन से देश की राजकुमारी थी, तो ये स्पेन की राजकुमारी थी। इनकी एज क्या थी, 86 वर्षीय थी ये, और इन्हें रेड प्रिंसेस के नाम से भी बुलाया जाता था, इन्हें रेड प्रिंसेस भी कहा जाता था। और स्पेन के जो राजा हैं फेलिपे, उनकी ये चचेरी बहन है, है नहीं थी क्योंकि अब इनका निधन हो चुका है। तो ये कहाँ से थी, स्पेन से। अब स्पेन की बात हुई है तो स्पेन को मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, मुद्रा है यूरो। और मैप में इसको देखें, वर्ल्ड में ये कहाँ है, तो ये मैप का, स्पेन का मैप आप देख सकते हैं। ये बीच में मैड्रिड, स्पेन की राजधानी। और बॉर्डर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं पुर्तगाल, यहाँ है फ्रांस, ये दो कंट्रीज़ हैं जिनके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और उसके साथ पास में एक कंट्री यहाँ पर आप देख सकते हैं मोरक्को। और यहाँ एक चीज़ याद रखने लायक है, मोरक्को और स्पेन के बीच ये क्या है, ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं बे ऑफ बिस्के, ये है मेडिटेरेनियन सी और ये है अटलांटिक ओशियन। तो लोकेशन भी याद रखिएगा, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, मुद्रा यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के मद्देनज़र अमेरिका ने भारत को कितनी मदद देने का ऐलान किया है। तो अमेरिका ने भारत को 29 लाख अमेरिकी डॉलर देने का ऐलान किया है। यहाँ अमेरिकी डॉलर है, अगर इसे रुपए में कन्वर्ट करें तो लगभग 22 करोड़ रुपए ये बनेंगे, इतने अमेरिका ने भारत को देने का ऐलान किया है। और न सिर्फ भारत को बल्कि भारत समेत 64 देशों को अमेरिका ने इस तरह की कुछ ना कुछ मदद देने का ऐलान किया है, जिसमें 64 देशों को 274 मिलियन अमेरिकी डॉलर अमेरिका देगा। और क्योंकि अमेरिका विकसित देश है, तो ऐसे कई देश हैं, विकासशील देश और अल्प विकसित देश हैं जिन्हें ज़रूरत है इस मदद की, तो इसीलिए अमेरिका द्वारा ये कदम उठाया गया है। और भारत को इसमें 29 लाख अमेरिकी डॉलर या फिर लगभग 22 करोड़ रुपए दिए जाएंगे अमेरिका के द्वारा। अमेरिका को भी हम ऐप में देख लेते हैं, तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, इन दोनों कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ आप जो ये देख रहे हैं, ये अलास्का है, ये भी यूएसए का ही पार्ट है। उसके अलावा यहाँ पैसिफिक ओशियन और ये है अटलांटिक ओशियन। राजधानी देखें तो यूएसए की राजधानी ये है वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के प्रस्तावित 38वां नए ज़िले का नाम क्या है। तो ये नया ज़िला रहने वाला है तमिलनाडु का, मयिलादुथुराई, मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो माफ़ कीजिएगा, ये 38वां ज़िला है। इससे पहले कुल 37 ज़िले हैं अभी तक, और अब ये नया ज़िला बनेगा। और ये घोषणा की है जो तमिलनाडु के इस समय सीएम हैं, के पलानी स्वामी। नया ज़िला बनाया जा रहा है, यानी कि कोई एक ज़िला पहले का था जिसमें से, जिसे डिवाइड करके नया ज़िला बनाया जा रहा है। तो वो ज़िला कौन सा था, वो है नागापट्टिनम। नागापट्टिनम को विभाजित करके ये नया ज़िला मयिलादुथुराई बनाया जा रहा है। तमिलनाडु को आप मैप में यहाँ देख सकते हैं, तमिलनाडु की राजधानी ये चेन्नई है, सीएम हमने देखे ही के पलानी स्वामी, और गवर्नर इस समय है बनवारी लाल पुरोहित। अभी तक कुल ज़िले हैं 37, अब ये नया 38वां बनने जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, निम्न में से कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। तो एंटीबॉडी परीक्षण शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है हमारा प्यारा भारत। अमेरिका के साथ कंफ्यूज़ नहीं होइएगा, अमेरिका ऐसा पहला देश है जिसने वैक्सीन का परीक्षण शुरू किया था लोगों पर, ठीक है, मानव परीक्षण वैक्सीन का शुरू किया था। और एंटीबॉडी परीक्षण शुरू करने वाला पहला देश है भारत, और इससे हेल्प क्या मिलेगी, कोरोना वायरस को समझने में इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो भारत ने ये कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हैं जोया अख्तर, इन्हें सम्मानित किया गया है IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 के लिए। IIFTC की बात करें, इसकी फुल फॉर्म है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव। ये एशिया का लार्जेस्ट फिल्म
फिल्म टूरिज्म इवेंट है, और ये कौन सा था 2020 में, ये कौन सा था, तो ये 8th था, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। और बात करें ज़ोया अख्तर को इन्हें किस लिए मिला है, तो इनकी कुछ फिल्म्स थी जो विदेशों में शूटिंग जिनकी की गई थी, जैसे कि ज़िंदगी ना मिले की दोबारा स्पेन में इसकी शूटिंग की गई थी, या फिर दिल धड़कने दो इसकी शूटिंग की गई थी टर्की में। तो इन फिल्म्स के बाद क्या हुआ कि इन देशों का टूरिज़्म काफ़ी बढ़ा था, और ये अवार्ड भी इसी बारे में है, टूरिज़्म इम्पैक्ट अवार्ड, तो इसीलिए ज़ोया अख्तर को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस कंपनी ने वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए सबसे अधिक 1,000 करोड़ की मदद की पेशकश की है, तो ये मदद की पेशकश की गई है टाटा ग्रुप के द्वारा, और अभी तक की ये सबसे अधिक 1,000 करोड़ की मदद है। टाटा ग्रुप की बात कर लेते हैं, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1868 में, कहाँ, मुंबई में। इसके संस्थापक कौन हैं, जमशेदजी टाटा, और मुख्यालय इस समय मुंबई में है, और फिलहाल इसके ओनर्स हैं टाटा सन्स। तो टाटा ग्रुप जिसने वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए सबसे अधिक 1,000 करोड़ की मदद की पेशकश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मार्च को किस देश में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या नेशनल डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, तो यह है अमेरिका। अमेरिका में मनाया जाता है 30 मार्च के दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। अगर बात करें सबसे पहले कब मनाया गया था, तो 1933 में, 30 मार्च 1933 में सबसे पहले मनाया गया था। और भारत में बात करें कब मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई के दिन। क्यों 1 जुलाई को मनाया जाता है, जो चिकित्सक और साइंटिस्ट रहे हैं बिधान चंद्र रॉय, और ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे, इन्हीं की याद में 1 जुलाई के दिन भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कोरोना से निपटने के लिए निम्न में से कौन सा अभियान शुरू किया है, तो हमारी सेनाएं अक्सर कोई ना कोई ऑपरेशन चलाती रहती हैं किसी न किसी कारणवश, तो अभी कोरोना से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते अभियान शुरू किया गया है, जिसमें जितने भी सेना के ऑफिसर्स हैं या सेना में जो भी काम करने वाले सैनिक हैं उन सभी का तो ख्याल रखा जाएगा कि वो कोरोना वायरस से अछूते रहें, उन्हें संक्रमण ना हो, और इसके अलावा अन्य लोगों की भी हेल्प की जाएगी, तो ये ऑपरेशन नमस्ते है इसके द्वारा की जाएगी। भारतीय सेना के बारे में बात कर लें तो चीफ इस समय है मनोज मुकुंद नरवाड़े, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ। आदर्श वाक्य भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा सर्विस बिफोर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2020 में भारत की जीडीपी की वृद्धि घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया, तो देखिए अभी तो जीडीपी वृद्धि पूरे विश्व की ही बहुत लो जाने वाली है अभी कई सालों तक आगे, और अभी भारत की बात करें तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की जीडीपी की वृद्धि को घटाकर कर दिया है 2.5%, पहले 5.3% कही गई थी लेकिन अभी से घटा दिया गया और 2.5% कर दिया गया है। मूडीज इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो रेटिंग देती है सभी देशों को और कंपनीज को, और ये यूएसए की है, यूएसए की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और दुनिया की जो सबसे बड़ी 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं उनमें से ये एक है, बाकी 2 कौन सी हैं, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर और फिच, और इसके अलावा तीसरी है मूडीज। इसकी स्थापना की बात करें तो 1909 में स्थापना हुई थी, बाद में 1975 में इसे यूएस के द्वारा राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त एक संगठन घोषित कर दिया गया था, और फिर 2000 से एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में काम कर रही है, और अभी इसी के द्वारा भारत की जीडीपी की वृद्धि दर घटाकर कर दी गई है 2.5%। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से बचाव के लिए खेल मंत्री किरण रिजिजू, आप यहाँ इन्हें देख सकते हैं, और किस पूर्व क्रिकेटर ने 1-1 करोड़ रुपये दान किए हैं, तो ये हैं किरण रिजिजू और उनके साथ में गौतम गंभीर, इन्होंने कोरोना वायरस से बचाव के लिए 1-1 करोड़ रुपए दान किए हैं। और ये तो रही बात इनकी, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की तरफ से भी ये 1 लाख रुपए पीएम रिलीफ फंड में दान किए गए थे। आप में से कई लोग कह रहे थे कि आपको भी इसमें करना चाहिए, डोनेट करना चाहिए, तो ऐसा किया गया है। अगर आप टेलीग्राम पर कनेक्टेड हैं तो वहाँ आपने देखा होगा, ये सिर्फ इसीलिए बताया जा रहा है ताकि आप मोटिवेट हों, अगर आप कर सकते हैं थोड़ी सी भी हेल्प, ये नहीं कहा जा रहा कोई बड़ी राशि आप दीजिए, थोड़ी सी भी हेल्प, और अगर नहीं कुछ हेल्प कर पा रहे हैं इस तरह की तो आप किसी को खाना खिला सकते हैं, अगर वो नहीं हो सकता है तो घर पर रहिए, उतना भी बहुत होगा। और देखिए हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी छोटी हो,
वो इसलिए क्योंकि आपने क्वेश्चंस भी देखे होंगे, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं थे ज़्यादा जिनमें ज़्यादा डिटेल में कुछ मैं बता सकूँ, क्योंकि अभी जो ज़्यादा न्यूज़ आ रही है वो कोरोना वायरस से रिलेटेड ही है। 50% से ज़्यादा करंट अफेयर कोरोना वायरस के ही मिलेंगे, तो उनमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं जिसको मैं डिटेल में कुछ एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।